ये कहानी सत्य घटनाओं से प्रेरित है, परंतु इसमें शामिल चरित्र घटनाएं और नाम काल्पनिक हैं, और इनके किसी भी व्यक्ति के नाम चरित्र या इतिहास के साथ समानता महज इत्तेफाकी और अनैच्छिक है। इस फिल्म में दिखाई गई वास्तविक फुटेज का लक्ष्य सिर्फ कहानी को अभिलाषित प्रभाव देना है। १९९५ ये भारी अनिश्चितता का वक्त है। कुछ साल पहले सोवियत यूनियन के टुकड़े हो जाने के बाद अब भारत के पास किसी भी ताकतवर देश का सहारा नहीं रहा। पड़ोसी देश पाकिस्तान ने अमेरिका और चाइना के साथ अपने मजबूत रिश्ते कायम कर लिए हैं ताकि वो एक शक्तिशाली सेना बनकर भारत को चुनौती दे सके। दूसरी तरफ पश्चिमी दुनिया ने भारत के ऊपर एक तरफ समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए लगातार दबाव बनाया हुआ है, जिससे वह सैन्य और आर्थिक रूप से कमजोर हो जाए। इस सब के बीच भारत की सरहद से थोड़ी दूर एक परमाणु गिनती शुरू हो चुकी है। पिछले हफ्ते चीन ने एक और न्यूक्लियर टेस्ट किया। ये चीन द्वारा किया गया 43वां परमाणु विस्फोट था। माना जा रहा है कि इस टेस्ट में किए गए एटम बॉम्ब की ताकत भारत के किसी भी बड़े शहर को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। अरे सुनो, क्या नाम तुम्हारा? अश्वत। हाँ, ऐसी बातों पर भाषण नहीं दिए जाते, इसकी डीलिंग थोड़ी अलग किस्म की होती है। चलो एक काम करो, इस पे एक रिपोर्ट बनाओ। श्वेता, मैं कल तक रेडी कर लूँगा। और हाँ, संक्षेप में, पीएम साहब के पास लंबी लंबी रिपोर्टें पढ़ने का वक्त नहीं होता। अच्छे से लिख के लाओगे तो अगली मीटिंग तुम्हारी उन्हीं से कराएंगे। यस सर, ऑल द बेस्ट। तुम खेलो, जाओ। अश्वत, आ जाओ। थका दिया इसने।
क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो आज। तबीयत ठीक है ना? इतना भी सीरियस नहीं रहता मैं। बिल्कुल रहते हो हर वक्त। तुम्हारे पापा जैसा मेडल मुझे भी मिलना चाहिए, इतने सीरियस हस्बैंड के साथ इतना खुश रहने के लिए। अब लग रहा है कि मैं भी पापा की तरह अपने देश के लिए कुछ बड़ा कर पाऊंगा। यू नो, पीएम सर से मिलने की बात चल रही है। सीरियसली? फाइनली समथिंग टू मेक पापा प्राउड। अश्वथ, ही वाज ऑलवेज प्राउड ऑफ यू। रियली? एब्सोल्युटली। यू नो ना, वो चाहते थे मैं भी उनकी तरह आर्मी ज्वाइन करूं। अश्वथ, हीरो वर्दी से नहीं इरादे से बनते हैं। एंड आई एम श्योर पीएम 100% इंप्रेस हो जाएंगे तुमसे। अब बताओगे मुझे ये मीटिंग है किस बारे में? बताऊंगा, बस ये हो जाए। कमाल करते हो अश्वेत, अब पीएम साहब को कराओगे? वेट, सॉरी सर, वो शॉर्ट में लिखना था, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, सब कुछ इसमें। हाँ ठीक है, लाइए फाइल। भाई सर मैं भी चलूँ? कहाँ? मैं हूँ ना, मैं देख लूँगा। आप समझते नहीं है, ये न्यू किलर प्लान हमारे देश के लिए बहुत फायदेमंद है। यादव जी ने तो एकदम कमाल कर दिया। बस एक बार ये टेस्ट हो जाए, फिर हमारे चीनी भाइयों को भी पता चल जाए। इस बार हम डर कर शांत नहीं, कर कर शांत बैठेंगे। मजा आ गया सर, मजा आ अमेरिकी सैटेलाइट्स को हिंदुस्तान द्वारा किए जा रहे न्यूक्लियर टेस्ट की भनक लग गई। राष्ट्रपति क्लिंटन की कड़ी चेतावनी के बाद परमाणु कार्यक्रम को रोक दिया गया। India's action threatens the stability of Asia and challenges the firm international consensus to stop all nuclear testing. अमेरिका ने साफ शब्दों में धमकी दी है कि अगर हिंदुस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसे रोकने के लिए परमाणु ठिकानों पर सैनिक कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान ने भी इस मुद्दे पर जोर शोर से अपनी आपत्ति जताई है। India's pursuit of a nuclear and ballistic weapons program is of serious concern. Of equal concern is its reluctance to engage in a meaningful dialogue. देखिए, पोखरण में एक रूटीन चेकिंग हो रही थी, कोई टेस्ट वगैरह की तैयारी नहीं। ये पूरा का पूरा मामला गलतफहमी का है और जिसने भी ये हो हुल्लड़ मचाया है उसे तो हम ढूंढ के रहेंगे। मेरा इस मिशन के एग्जीक्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। यादव जी, आपने तो पीएम सर से भी नहीं मिलवाया मुझे। तो अच्छा ही किया ना। कितना घटिया प्लान था तुम्हारा, उस वक्त तो बड़ा सीना तान के बोल रहे थे। क्या हुआ है, पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा करवा दिया तुमने अपने देश को। मेरा प्लान सुना ही कहा किसी ने? दो पन्नों पे इतने बड़े प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं आ सकती। पूरा मिशन हो गया मेरे बिना, फेल हुआ तो बलि का बकरा मुझे बनाया जा रहा है। अगर तुम्हें इतना ही सब कुछ पता था तो पूरी तरीके से लिख कर क्यों नहीं बताया? सर मैंने दी तो थी फ्लॉपी, अभी तक यही धूल खा रही है। अगर आपने इसे देखा होता तो अभी इसी वक्त यहाँ से बर्खास्त किया जाता है। मीटिंग ओवर। सुषमा धीरे बोलिए, सुन लेगा। आपको पता है ना, वो अपने काम के बारे में किसी से बात नहीं करता। मुझे भी नहीं पता क्या हुआ, कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तो 2 महीने हो गए हैं। कोई और जॉब क्यों नहीं ले लेता अश्वथ? अरे IIT से इंजीनियरिंग किया है उसने। मेरी जॉब है ना ऑब्जर्वेटरी में, मसूरी जाके अश्वथ के लिए माहौल भी थोड़ा बदल जाएगा। उसका एम्बिशन अलग है, देश के लिए कुछ करना चाहता है। कहां का देश? हेलो। हाय बेटा, दूध पिया? आज नहीं पीना। थोड़ा सा पीना पड़ेगा। और साइंस प्रोजेक्ट फिनिश किया? कल सबमिशन है ना? पापा कहाँ हैं? ट्यूशन्स ले रहे हैं। इतनी लेट तक? सर एक्सक्यूज मी, 8 बज के सर।
तो सर घर जाना था, क्लास का टाइमिंग तो 6 बजे तक था ना। सिविल सर्विस की पढ़ाई घड़ी देखकर नहीं करते, सिलेबस देखकर करते हैं। नाउ कंसंट्रेट। सर सिलेबस तो दूसरी बार रिवाइज करा रहे हो आप। पापा मेरा साइंस प्रोजेक्ट, मम्मी ने बोला कि आप फिनिश करवाओगे। सिट डाउन, नॉट नाउ, अभी क्लास चल रही है। तो कब करेंगे पापा, मुझे सोना भी है। तुम शुरू करो, मैं आता हूँ। ओके गाइस, अब आखिरी 6-7 क्लासेस रह गई है, अगर मन लगा के पढ़ोगे तो टॉप करोगे। सर टॉप किसे करना है, हमें तो सरकारी नौकरी चाहिए बस, एक लाल बत्ती वाली गाड़ी और एक बड़ा सा घर हो, बहुत होगा सर वाले। ये जो एटीट्यूड है तुम्हारे जनरेशन का, सिविल सर्वेंट का मतलब समझते हो? इट्स अ सर्विस टू द नेशन। अगर नहीं कर सकते हो तो सीट वेस्ट मत करो। ओके कम ऑन। हाय हाय। अरे शूज नहीं पहने अभी तक, जाओ लेके आओ, देर हो जाएगी। भागो भागो, बुक्स डाल दिए साहब। अल्लाह, साइंस प्रोजेक्ट कहाँ है तुम्हारा? जब तक पापा है तब मैं सो गया। I forgot. What do you mean you forgot? जरा सी मदद नहीं कर सकते थे इसकी? मेरी क्लास बहुत देर तक चली सुषमा, और वैसे भी ये बड़ा हो गया, ये अपना काम खुद कर सकता है, राइट? सब कुछ तो खुद करता है ईश्वर, अपनी एज से ज्यादा इंडिपेंडेंट और मैच्योर है, इतना कोऑपरेट करता है हमारे साथ ये, हम इसके लिए खुद को थोड़ा सा पुश नहीं कर सकते? कर रहे हैं सुषमा, वी आर डूइंग आवर बेस्ट। आई एम डूइंग माय बेस्ट, नॉट यू। बेटा जाओ अपना बेड बना लो। बना लिया। बना लिया तो वाटर बॉटल भर के ला। गो। कब तक चलेगा ऐसा अश्वर? हाँ तुम्हें पता है ट्यूशन फीस आजकल घंटे के हिसाब से चार्ज करते हैं, और तुम होके 2 घंटे की क्लास में 5-5 घंटे पढ़ाते रहते हो स्टूडेंट्स को। सिविल की पढ़ाई मुश्किल है, स्टूडेंट्स को टाइम देना जरूरी है। और प्रहलाद, उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी कौन लेगा? उसके पापा इस लायक है कि उसके ट्यूशन फीस, एक्स्ट्रा क्लासेस, आगे जाके IIT एंट्रेंस, IAS की तैयारी अफोर्ड कर पाएंगे। वो 9 साल का है सुषमा, वी हैव टाइम। ओह रियली, वी हैव टाइम? डोंट बिलीव दिस। जब उसकी प्रोजेक्ट की बात आती है तब ही इज ओल्ड इनफ, पर जब बात तुम पे आती है तो वी हैव टाइम? व्हाट नॉनसेंस इज दैट अश्वत, हमारी सेविंग्स खत्म हो रही है, कब तुम ये पार्ट टाइम ट्यूशन छोड़ के एक ढंग की जॉब करोगे? इधर आओ। पता नहीं 3 साल से क्या बोझ लेकर घूम रहे हो अपने सर पे, जिसके नीचे सिर्फ तुम नहीं हम सब दब रहे। अपनी जिम्मेदारियों को समझो अश्वत, अपनी फैमिली को संभालो, मैं तुम्हें मेडल दे दूंगी। चलो बच्चा लेट हो रहा है। सॉरी पापा, मेरे वजह से मम्मी ने आपको डांटा। बस प्लीज बाय चैप। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही देश में एक नई उम्मीद जागी है। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को। वाजपेयी सरकार के मजबूत मंत्रिमंडल को देखते हुए देश में चल रही पिछले 3 साल की राजनीतिक अस्थिरता का भी समाधान सबको नजर आने लगा है। जिन जिन के हाथ में फूल है प्लीज लीव द रूम। जितनी देर में गाड़ी से उतर के मैं यहां आया हूं, उतनी देर में पाकिस्तान का आज ही लॉन्च किया हुआ गॉड मिसाइल दिल्ली पहुंचकर
सारे शहर को तबाह कर सकता है। पाकिस्तान और चाइना के अनगिनत टेस्ट के बीच में हमने भी एक टेस्ट किया 95 में जो फेल हुआ था, किसी को याद है? जिसको भी इसके बारे में कुछ नहीं पता, गेट आउट। त्रिपाठी जी आप कहां जा रहे हैं? प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी फॉर द नेक्स्ट हाफ आवर। आप तो इस कमेटी में शामिल थे, राइट? आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग। आज इतनी जल्दी रेडी हो गए? और पापा ने सारा होमवर्क भी करवा दिया। अच्छा, दिस इज फॉर यू। दिस इज फॉर यू। थैंक्स। आज रात को मम्मी पापा आ रहे हैं, स्टेशन जाना मत भूलना। या ऑफ कोर्स। अरे दिल्ली ओपन यूनिवर्सिटी से जॉब ऑफर है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए, परसों इंटरव्यू के लिए बुलाया है। हुआ था दही चीनी खा के जाना। गुड मॉर्निंग। आप? हिमांशु शुक्ला, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर। सो दिस इज नॉट अ जॉब इंटरव्यू? ऑफ कोर्स नॉट। ये इंटरव्यू तुम्हारे 95 के कारनामे के लिए है। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मेरे परमिशन से अंदर आए थे, वैसे ही बाहर जाओगे। चलो, तुम्हारा प्लान कैसे फेल हुआ? जो फेल हुआ वो मेरा प्लान नहीं था। आपको अपना होमवर्क करके आना चाहिए था, और वैसे भी सारी डिटेल्स फ्लॉपी में है। फ्लॉपी की सारी फाइल्स खोली थी, कोई खोल नहीं पाया, किसी ने खोलने की कोशिश नहीं की। दिस इज एन ऑफिशियल इंक्वायरी, जो भी सवाल पूछता हूँ इसी का जवाब दो प्लीज। टेल मी, व्हाट वाज योर प्लान? इट्स टू लेट फॉर एन इंक्वायरी मिस्टर शुक्ला, अब आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। 95 में जो हुआ वो देश का फेलियर था। दिस इज नॉट अबाउट यू मिस्टर, you are answerable to your country. Not anymore. मैं ये सब पीछे छोड़ चुका हूँ, और वैसे भी आपके सिस्टम में मेरे जैसे टैलेंट की कोई कदर नहीं है। तुम अजिताभ रैना के बेटे हो ना? I served under him in the Indo-China war. उस जंग के लिए उन्हें वीर चक्र सम्मानित किया गया था, but he was not very happy. You know why? Because we lost that bloody war. और आज अगर तुम्हारी जगह यहां बैठे होते तो अपने से पहले अपने देश के बारे में सोचते। ये फ्लॉपी है, वैसे भी ये फाइल्स खोले नहीं है, they're useless to me. तुम ही रख लो। How long did you serve under him? 2 अलग अलग हिस्से हैं, एक साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की टीम जो बॉम्ब बनाती है, और दूसरी आर्मी जो बॉम्ब्स को इंस्टॉल करती है। एक तीसरा हिस्सा भी था, सबसे अहम हिस्सा जिस पे किसी ने ध्यान ही नहीं। सैटेलाइट्स, अमेरिका की लक्रोस सैटेलाइट्स हर वक्त हम पर नजर रखे हुए हैं। गल्फ में भी इन लक्रोस सैटेलाइट से अमेरिका को बहुत एडवांटेज था। जूम स्ट्रेंथ इतनी जबरदस्त है कि किसी के हाथ पे बंदी घड़ी तक का टाइम देख सकती है। ऊपर से थर्मल इमेजिंग जो रात के अंधेरे में होते हुए काम को कैप्चर कर ले। कुछ नहीं बचता इनसे, बादलों को चीर सकता है इनका विजन। इसीलिए मेरा प्लान था इन्हें पूरी तरह से अवॉइड करना।
कैसे अवॉइड करते? इंडियन स्पेस एजेंसी। लेकिन वो एक सिविलियन ऑर्गेनाइजेशन है। यही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिकन सैटेलाइट्स को मॉनिटर करके पोखरण में हमें काम करने की टाइमलाइंस दे सकता था। मेरा प्लान साइंस और कॉमन सेंस को साथ लेके चलने का था, लेकिन मेरी बात किसी ने सुनी नहीं। आज इंडिया एक न्यूक्लियर स्टेट होता होगा। हम फिर से टेस्ट प्लान करें। प्राइम मिनिस्टर इज वेरी एक्साइटेड। ओह, दैट्स व्हाई द इंक्वायरी। थैंक यू फॉर योर टाइम। हमारा प्लान सुन के लगता है कि हम इस बार कामयाब होंगे। ये प्लान सुनने में जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं। गुड लक फाइंडिंग समवन टू डू इट। वी विल फाइंड समवन। तुम तो करोगे नहीं। क्यों करोगे? जो भी ये काम करेगा उसे ना कोई ऑफिशियल पोस्ट मिलेगी, ना सैलरी, ना मेडल, नथिंग। अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा कोई इंसान हो, ही इज माय ऑफर। थैंक यू सर। ये एक आदमी की बस की बात नहीं है। इस मिशन के लिए पूरी टीम बनानी पड़ेगी। तो बनाओ। क्लीन द स्लेट। यही सो गए? जब तक नाश्ता लग रहा है बाहर जाके मम्मी पापा के साथ बैठो। गुड मॉर्निंग अश्वथ। चप्पल उतार के बैठो, महाभारत चल रही है ना। पांडव तो सिर्फ पांच थे, उन्होंने कैसे 100 कौरव को हरा दिया? श्री कृष्ण के उपदेश से। पांडव पांच तो थे, लेकिन हर एक का अपना स्पष्ट गुण था, और वो गुण एक शक्ति यानी पावर से कम नहीं था। इतनी पावर थी कि वो 100 के बराबर थे। बिल्कुल। इधर बैठ। सबसे बड़े युधिष्ठिर यानी कि धर्मराज, हमेशा धर्म के रास्ते पे चलने वाले। फिर अर्जुन, वो जो कृष्ण जी के पीछे रथ पर खड़े हैं ना, उनका निशाना कभी नहीं चूका, इतने फोकस थे। एक तीसरा हिस्सा भी था, सबसे अहम हिस्सा, जिस पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। सीक्रेसी। सहदेव आकाश को देखकर पहचान जाते थे कि आने वाली समस्या क्या है। नकुल जाने तो अपनी सुंदरता के लिए जाते थे, पर उनकी आंखों से कभी कुछ नहीं चूकता था। और कृष्ण जी के बारे में कुछ बताओ। So let me present to you the Pandavas. Mahabharat,
यस सर। पोखरण हमारा कुरुक्षेत्र है और सैटेलाइट्स कौरव है। इस युद्ध को जीतने के लिए हमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी की जरूरत है। 100 कौरवों के लिए सिर्फ 5 पांडव ही काफी थे। हर ऑर्गेनाइजेशन से सिर्फ एक मेंबर हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। उसके अलावा इस मिशन के बारे में किसी को कुछ पता नहीं होगा। सबसे बड़ा भाई BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो बॉम्ब्स प्रोवाइड करेगा, इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा युधिष्ठिर। डॉक्टर विराट वाडिया द यंगेस्ट साइंटिस्ट टू विन द सर्वश्री। न्यूक्लियर एनर्जी पे रिसर्च के लिए आपको इंस्पिरेशन कहां से मिला? लिफ्ट से। लिफ्ट से? जी। मतलब? कुछ साल पहले मैं लिफ्ट में फंस गया था और सांस नहीं आ रही थी। आई सफर फ्रॉम क्लॉस्ट्रोफोबिया। तब मैंने डिसाइड किया कि इस देश को अनलिमिटेड पावर सप्लाई की जरूरत है। न्यूक्लियर एनर्जी इज द वे फॉरवर्ड। होपफुली एक दिन ऐसा आएगा जब इंडिया में लाइट नहीं जाएगी और लिफ्ट नहीं रुकेगी। नेक्स्ट अर्जुन हमारा डिफेंस लैब DRDO जो डेटोनेटर सप्लाई करेगा जिसे बॉम्ब्स एक्सप्लोड होते हैं। डॉक्टर नरेश सिन्हा 30 साल से DRDO में है। Yeah. His experience will be very valuable to us. मेरा बटवा देखा है क्या? अभी तो यहीं था, कहाँ चला गया? बदमाशी। पटवा, जेब में रखे पूरा घर ऊपर नीचे कर रखा है। Sorry. इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें देश के लिए लॉन्च करते हो लेकिन ये भूल जाते हो कि बटवा कहाँ रखा है। और कुछ तो नहीं भूला ना? चश्मा। ओके, थैंक यू, बाय। बाय। भीम, आर्मी से मेजर प्रेम, वो पहले से ही पोखरण रेंज में पोस्टेड है। उनसे बेहतर ऑफिसर हमें इस मिशन के लिए मिल ही नहीं सकता। ये बनकर 135 डिग्रीज पर है। यस सर। आर यू श्योर? यस सर। 130 डिग्रीज। चेक। हाउ मच इज इट? सर 130 डिग्रीज। डू इट अगेन। मेजर प्रेम, तुम्हें पता है ना कि हमारे पिछले नाकामयाब मिशन में ये शामिल थे। सर, नाकामयाबी आदमी को बहुत कुछ सिखा देती है। I'm sure about my beam. But I'm not so sure about him. Sir, उन्हें रेंज के टेक्निकल प्रॉब्लम्स के बारे में पहले से ही पता होगा। He will be an asset. He failed in 95. सर, आपने मुझे भी तो एक मौका दिया है। Fair enough. Next. पुरु रंगनाथन, इंडियन स्पेस एजेंसी से। सर, दिस विल बी अ गेम चेंजर। हमारे काम करने के शेड्यूल को सैटेलाइट प्रूफ बनाने में ये हमारे सहयोग होंगे। देशभक्त है सर, बहुत सी इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी से इतने सारे ऑफर्स आ चुके हैं। अमेरिका, रशिया, जर्मनी, कहीं भी जा सकते थे लेकिन सारे ऑफर्स डिक्लाइन कर दिए। हमारा आखिरी पांडव नकुल, इंटेलिजेंस सर्विसेज, जो ऑन ग्राउंड सिचुएशंस को सीक्रेटिव रखने में हमारी मदद करेगा। रॉ? नो रॉ। Raw may be the best agency, लेकिन CIA और बाकी सारे spy agencies उस पे कड़ी नजर रखते हैं। Here you go. So with all due respect, we cannot do that. इस पूरे मिशन की सिक्योरिटी इसी एक आदमी के ऊपर डिपेंडेंट है। I know just the person for the job. Meet अंबालिका बंदोपाध्याय, the intelligence bureau. हमारे मिशन का बेस होगा पोखरण फोर्ट और अंबालिका उसे सिक्योर करवा देगी। और आप लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स बन के जाएंगे। मैं आईडीज तैयार करवा लूंगी। अंबालिका, आईडीज में हमारे ओरिजिनल नाम नहीं होंगे। वी विल यूज एलियसेस। तो मेरा नाम नकुल है। नाइस नेम फॉर अ गर्ल। इट वाजंट प्लान दैट वे। और तुम्हारा नाम? कृष्णा, कृष्णा जोशी, हमारा मार्गदर्शक, हमारा सारथी। मैं ट्रैवल अरेंजमेंट्स और अकोमोडेशन भी पांडवास के नाम पे करवा दूंगी। वी विल हैव टू ट्रैवल सेपरेटली। कॉल एनी टाइम, डे और नाइट, जस्ट बी फ्री। आल्सो वी विल नीड मोबाइल फोन्स फॉर द ऑपरेशन, वो सेफ रहेगा। सही है। सिद्धांत लॉस्ट हिज लाइफ इन सियाचिन। So sorry, sir. No, no, don't be. शहीद हुआ है देश के लिए। Very, very proud of. लेकिन तुम ऐसे कोई उम्मीद मत रखना। सारा क्रेडिट साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को जाएगा। Okay. Sir, शायद आप मुझे समझे नहीं। I am my father's son.
चीज है देखने के लिए इस रेगिस्तान में, उसे भी बंद कर रखा है। कुछ हो ही नहीं सकता इस देश का। चलो भाई चलो, बंद है भाई बंद है, चलो पाचा टो। हाँ। चलो पाचा। Can I see your ID, please? Well done. Thanks. Fort पूरी तरह से secure हो रहा है। आज रात तक सारा काम complete हो जाएगा। We've ensured that there's 24/7 surveillance both here and at the guest house. I don't think हमें guest house secure करना चाहिए। Locals को शक हो सकता है। We must blend in with the tourists. Listen, मुझे आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए बुलाया गया है, and I think it's important you are protected everywhere. 95 में भी ये हुआ था। Scientists और engineers हर जगह सिक्योरिटी के साथ घूम रहे थे। It's too obvious. Here, cell phone सिर्फ तुम्हारे और मेरे पास रहेंगे। I'll message you the passcodes every day. Thanks. Team आ गई? Yep, they're waiting for you. इतनी गर्मी है, काम कैसे होगा यहाँ? शिमला तो आए नहीं हैं आप? कभी आमी बंकर में खड़े होकर देखिए, ये कूलर भी एसी जैसा लगेगा। साइंटिस्ट तो अंदर फैक्स मशीन ऑर्डर देगा, ना प्रॉब्लम क्रिएट किया देगा, अपन तो भागनो, वो सर्किट प्रॉब्लम, ना टीम वाली ये ना, ये तो वो जेंटलमैन, अश्वथ रायना, अश्वथ तुम तो जानती हो सबको। Yes, of course. It's an honor to work with all of you. तो शुरू करें। Excuse me, dust allergies. आधा डाल लो। वहाँ तो dusty dust। पोखरण रेंज। हमें अगले 30 दिनों में यहाँ एक नहीं, 6 न्यूक्लियर बॉम्ब्स टेस्ट करने हैं, और वो भी दुनिया से छुप के। What's the situation of the underground shafts? ये 3 शाफ्ट्स रेंज में ऑलरेडी हैं, व्हाइट हाउस, ताजमहल और कुंभकर्ण। लेकिन इन तीनों में पानी भर गया, और पानी निकालना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि ये 250 मीटर तक गहरे हैं। और बाकी 3 शाफ्ट्स? नए शाफ्ट्स खोदने का टाइम तो नहीं है हमारे पास, बट आई हैव आइडेंटिफाइड 3 ड्राई वेल्स जिन्हें हम रेडी कर सकते हैं। जैसे एक वीक पहले तैयार हो जाने चाहिए ताकि मैं बॉम्ब्स को प्रे हॉल में असेंबल करके शाफ्ट्स में इंस्टॉल कर सकूं। बॉम्ब्स को केबल्स के जरिए कंट्रोल रूम तक कनेक्ट करना पड़ेगा, और कंट्रोल रूम में ही 6 वो सेफ्टी लॉक्स होंगे। द 7th स्टेज इज अ ब्लास्ट। प्लान आसान लग रहा है, लेकिन इस मिशन को कोवर्ड रखना इतना आसान नहीं होगा। 1995 से 3 अमेरिकन सैटेलाइट हमारे ऊपर ही मंडर रहे हैं, लेकिन जब एक सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट का पोजीशन लेता रहता है तब हमें कुछ घंटों का गैप मिलता है। इस गैप में रेंज के ऊपर किसी की नजर नहीं होती। दिस इज कॉल्ड अ ब्लाइंड स्पॉट। हर रोज हमें ऐसे 2 ब्लाइंड स्पॉट्स मिलेंगे, एक दिन में और एक रात में। काम हम सब रात के ब्लाइंड स्पॉट्स में करेंगे। दिन में काफी गर्मी होगी और पोखरण में सैंडस्टॉर्म्स भी बहुत आते हैं। रेंज की एंट्री के लिए आप सबको रोज एक नया पासकोड दिया जाएगा। आज का पासकोड लग जा गले, फिर यहाँ से रात हो ना। Doesn't sound like a code. Exactly. You mean हर रोज नया पासकोड? और हर वक्त आप एक दूसरे को सिर्फ अपने कोड नेम से बुलाएंगे, याद है? नकुल, भीम, युधिष्ठिर, सहदेव, मैं वो तीर कमान वाला अर्जुन। हाँ, अर्जुन। एंड रिमेम्बर, कोड नेम्स और पासकोड्स बहुत जरूरी है। इस एरिया में स्पाइस भरे पड़े हैं। रेंज पे हम सिर्फ आर्मी यूनिफॉर्म्स में काम करेंगे ताकि आसपास के गांव वालों को शक ना हो। यस, सबके लिए यूनिफॉर्म्स ऑर्डर हो चुकी हैं। देयर एट द बेस। रेंज पे अपनी हर एक एक्टिविटी के ट्रैक्स को कवर करना सबसे जरूरी है ताकि जब दूसरी सैटेलाइट ऑर्बिट में आए सब कुछ वैसा ही दिखे जैसे वो देखना चाहते हैं। Like a mirage. वैसे पोखरण का मतलब जानते हैं आप? The land of 5 mirages.
तुम हमेशा से आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, है ना? Yep. My father was in the army, but my flatfoot. Flatfoot? I never really made it. यूनिफॉर्म की बात ही कुछ और है। अरे इससे अच्छा तो कंबल पहन लेते, पहले ही मर रहे हैं गर्मी में, कुछ और मर लेते। ये लूज पैंट में काम कैसे करूंगा? पैंट संभालूंगा कि सैटेलाइट का ऑर्बिट। But I feel great in this uniform. Just one issue. Your rank is major, mine is captain. Major ज्यादा सीनियर साउंड करता है। Because I am a major. कितनी मेहनतकश और मुश्किल जिंदगी होती है एक फौजी की, कोई आइडिया है आपको? ये जो फ्री की वर्दी पहनने को मिल रही, इसकी अहमियत नहीं जानते आप लोग। मेजर, अब अगले कुछ दिनों के लिए हमें अपने यूनिट का हिस्सा समझ लीजिए। हम सब इस सिचुएशन में नए हैं, वी नीड योर हेल्प। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस मिशन के एंड होने तक हम इस यूनिफॉर्म के जायज हकदार बन जाए। प्लीज। Perhaps I got carried away. We're all a team. ये झूला बड़ा टाइम लगा रहा है पहुंचने में। है वर्टिगो, शीट्स पे पूरी तरह से जंग आ गया। यस, वी नीड टू चेंज देम। इवन द वॉल्स हैव डेवलप्ड क्रैक्स। इस शाफ्ट को रेडी करने में टाइम लगेगा। बस इससे नीचे नहीं जा सकते। पानी तो कुछ ज्यादा ही भर गया है। लाइक आई सेड, वी नीड टू पंप इट आउट इमीडिएटली। थोड़ा रुक के चल सकते हैं? बड़े रैंक के लिए बड़ा जिगर भी होना चाहिए। ऊपर देखो। Spot opens at 19:30 hours. Copy. Good to go. से टाइम पे पानी नहीं निकलेगा। हमें ज्यादा वो हॉर्स पावर वाले पंप्स की जरूरत पड़े। लगातार बेहतर रहेगा। कैसे छुपाएंगे इसे? छुपाने की जरूरत नहीं है। सैटेलाइट इस बोट को देख के यही समझेगी कि यहाँ वाटर सप्लाई की ट्रेनिंग चल रही है। कंसील द
the track. Leave no trace. Come on. Do you think it worked? I hope so. नहीं तो कल के अखबार में पता चल ही जाएगा. पिछले 18 घंटों से कमाल की हुड़ा तबड़ी चल रही है रेंज के आसपास. मतलब आवना जावना काफी बढ़ चुका है. तुमको पता है अमेरिकन सैटेलाइट कितना पावरफुल है? रेंज पे कुछ नहीं है. ये देखो, ये 5-6 लोग पोखरण के किले पे लगे हुए मरम्मत के काम, और फिर वही बंदे या आर्मी की वर्दी में. कैसे? You think the satellites are missing something? हमें खुद चल के देखना चाहिए वहां पोखरण. Well done guys. बस अगले 29 दिन ऐसे ही काम चलता रहे. स्टोर्स कब लेने जा रहे हैं आप? स्टोरकीपर्स को इन्फॉर्म कर दिया है. 28 अप्रैल को ले आऊंगा. 28 अप्रैल? That's अक्षय तृतीया. स्टोर्स? स्टोर्स माने बॉम्ब बॉम्ब. लाओगे कैसे? It's quite simple actually. हर एक प्लूटोनियम बॉल का साइज इससे थोड़ा ही बड़ा है. What? Are you serious? That's it? This is it. लाने को तो मैं स्कूटर पे ले आऊं. स्कूटर फिर कभी ले आना. स्टोर्स के लिए वी स्टिक टू द प्लान. मेजर प्रेम ने आपके लिए 4 आर्मर प्लेटेड ट्रक्स अरेंज कर दिए. बीआर से आप देर रात पहुंचेंगे 2 बजे के करीब, ताकि स्टाफ कम से कम हो. योर कलीग्स शुड बी रेडी एंड वेटिंग फॉर यू एट द वॉल्ट. This is very sudden. आखिर ये packages जा कहाँ रहे हैं? To the nuclear facility in Chennai. बस मुझे भी इतना ही पता है. Release papers. से आप सीधे मुंबई एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे. Thank you.
शहर की भोली भाली जनता को पता नहीं कि उनके बीचों बीच क्या गुजर रहा है। अगर ये एक्सप्लोड हुआ तो ये पूरा शहर अंडरग्राउंड हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर? 10 मिनट्स ऑफिसर। सुबह 10 बजे आप जैसलमेर एयरपोर्ट लैंड करेंगे। मेजर प्रेम और अंबालिका आपको एयरपोर्ट पे मिलेंगे। यहाँ भी 4 आम अपलेटेड ट्रक स्टोर्स को रेंज तक ले जाने के लिए रेडी होंगे। Eagle has landed. Good. What time is the satellite blind spot opening? Satellite blind spot 23 से शुरू होता है। अंबालिका, this is make or break. Blind spot के शुरू होने से पहले armored trucks रेंज के आसपास भी नहीं होने चाहिए। Clear? Clear. यानी यहाँ से शाम के 6 बजे से पहले निकल नहीं सकते। Great. अब इतने घंटे क्या करेंगे? जैसलमेर में हो। Sightseeing कर लो। Fine. कृष्णा सर, दिल्ली से फोन है आपके लिए। सर, परफेक्ट टाइमिंग में फोन करने वाला था आपको। स्टोर्स पहुंच गए। अश्वथ, अभी के लिए सब कुछ रोक दो। हम ये टेस्ट शायद नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट? सो ये कैसे? अश्वथ, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। आई विल कीप यू पोस्टेड। ओके, बाय। वाजपेयी सरकार के गठबंधन पर पिछले काफी समय से भारी दबाव देखा जा रहा है। कुछ अहम कोलिशन पार्टनर समर्थन वापस लेने तक की बात कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे को लेकर संसद में भारी हंगामा भी हुआ। इंटरव्यू? ऑफ कोर्स अश्वथ। ओ हाँ, याद आया, प्रहलाद के स्कूल के लिए। क्या बात है, जब से तुम दिल्ली गए हो फर्स्ट टाइम इतना लो साउंड कर रहे हो। अपने बीवी बच्चे से मिलने की एक्साइटमेंट बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही तुम्हारी आवाज में। ऐसी बात नहीं है सुषमा, मैं तुम दोनों को बहुत मिस कर रहा हूँ। या काम पे स्ट्रेस ज्यादा है? Yeah, I can imagine. टीचिंग जॉब्स भी बहुत स्ट्रेसफुल हो रहे हैं आजकल। वैसा स्ट्रेस नहीं है सुषमा, यहाँ सिचुएशन कुछ और है। हाँ, और वो तो तुम मुझे कभी बताओगे नहीं। अपने टीचिंग जॉब को भी ऐसे ट्रीट कर रहे हो ना जैसे अभी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए काम कर रहे हो। अश्वथ, लिसन टू मी। बहुत अरसे बाद तुम्हें ये मौका मिला है। डोंट लेट एनीबडी टेक इट अवे फ्रॉम यू। ओके? लव यू। लव यू टू। बाय। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। पता है सिचुएशन कितनी गंभीर है? कोएलिशन पार्टीज अपना सपोर्ट वापस लेने की बात कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं हमें। टेस्ट कैसे करोगे जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ही नहीं रहेंगे? सर, नो कॉन्फिडेंस मोशन कब है? 2 हफ्ते में। हम अगर टेस्ट 10 दिन में कर ले बिफोर द नो कॉन्फिडेंस मोशन? लुक, आई अंडरस्टैंड तुम्हें पॉलिटिक्स की समझ नहीं है, बट यू आर एन इंजीनियर, तुम्हें समझना चाहिए कि जो काम 15 दिन में नहीं हो रहा है तुम 10 दिन में कैसे करके दिखाओगे। मैं कर सकता हूँ। आपके बेटे ने देश के लिए अपनी जान दे दी, उसने तो किसी रिस्क के बारे में नहीं सोचा। You keep my son out of this, mister. मेरे बेटे ने देश की मान के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, तुम देश के सम्मान की बाजी लगाने की बात कर रहे हो? This conversation is over. और मैं चाहता हूँ ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। थैंक गॉड इसका इंटरव्यू अच्छे से हो गया, सारे सवालों के जवाब पता थे इसे। क्या मूड अशांत, तुम्हारा ध्यान ही नहीं था। आज के दिन अपने स्ट्रेस को भूल नहीं सकते थे क्या? सॉरी, मेरा काम फंसा हुआ है ना। तो क्या काम, और ये काम के चक्कर में कितना बदल लिया है खुद को। I used to like your long hair. ये क्या आवाज है? कौन सी आवाज? अभी कुछ बजा? प्रहलाद,
प्रहलाद okay? चलो तुम निकलो। तुम लोग निकलो मतलब? हम तुम्हारे घर नहीं जा रहे हैं। अश्वत इसका फॉर्म शाम को मिलने वाला है, तब तक वी कैन स्पेंड सम टाइम टुगेदर। सुषमा मसूरी पहुंचते बहुत लेट हो जाएगा, मैं फॉर्म कलेक्ट करके कुरियर करवा दूंगा, और रात को ट्रैवलिंग करना बहुत अनसेफ होता है, प्लीज कम कम। चलो ड्राइवर संभाल के चलाना। बाय चाम। बाय बाबा। नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल। अभी तो आधी केबलिंग भी नहीं हुई है, और फिर वो डेटोनेटर्स के डिलीवरी डेट्स की अप्रूवल्स लेने में बहुत समय निकल जाएगा। अक्षत, अश्वत, अश्वत, तो अपनी सीनियोरिटी का फायदा उठाइए, डेटोनेटर्स को यहाँ T-3 days में पहुंचना ही होगा। अश्वत, शाफ्ट्स में सैंड बैग्स डालने हैं, उनकी पैकिंग एकदम कड़क होनी होगी, टाइम पहले ही इतना कट टू कट था, और जल्दी कैसे कर पाएंगे? डे शिफ्ट गुरु, दिन में सैटेलाइट का ब्लाइंड स्पॉट कितने बजे आता है? दिन में बहुत रिस्की है अश्वत, वी डिस्कस्ड दिस। अश्वत तुम जानते हो कि दिन के वक्त रेंज पर कितनी बार साइंस स्टॉर्म्स आते हैं, इट बी इंपॉसिबल टू मैनेज। आपका काम है मुश्किल सिचुएशन को संभालना, टेस्ट तस्ते में करेंगे, दैट्स फाइनल। पावर पता है इन बॉम्ब्स की? अगर शाफ्ट्स को ढंग से सील नहीं किया ना, तो पोखरा नहीं पूरा राजस्थान अंडरग्राउंड हो जाएगा। इसमें 100% प्रिसिशन और 200% प्लानिंग चाहिए। हमें 3 अलग अलग बॉम्ब्स एक साथ टेस्ट करने हैं। आपकी 100% प्रिसिशन और 200% प्लानिंग के लिए 10 दिन काफी है, अंडरस्टूड? प्रॉब्लम मुझे मत बताइए, फाइंड द सॉल्यूशन। अश्वत, पिछली बार भी ऐसे ही टेस्ट कॉम्प्रोमाइज हुआ था, तुम क्यों पॉलिटिकल प्रेशर में आ रहे हो? यू वांट टू फेल अगेन लाइक 95? अब फेलियर की चिंता मत कीजिए ना, अगर इस बार भी फेल हुए तो मैं ले लूंगा जिम्मेदारी। बैंड बज गया यार, जवानी में भी इतना काम नहीं किया। फास्ट, कम ऑन। अरे लगाओ ना यार। लास्ट 60 मिनट्स कृष्णा, रैप अप शुरू कर दो। ओके सर, देख। नरेश जी, डियर, डोंट डाई, अब सिर्फ 9 दिन बचे हैं। 9 दिन तक कौन टिकेगा? मुझे तो लगता है अश्वत मेरा चौथा प्लान कर रहा है। वेल गाइस, इस स्पीड पे चले तो लगता है सब टाइम पे हो पाएगा। Thanks, Tom. It'll pass in 30 minutes. सैटेलाइट आने में कितना टाइम बाकी है? 15 मिनट्स, व्हाई? सारे कवर्स उड़ गए, शाफ्ट्स, मशीन सब विजिबल है। एवरीवन बैक टू पोजीशन, फास्ट। Dayan! Dayan!
5 मिनट बचे हैं, निकलो वहां से जल्दी। ओके आउट। कम ऑन, लो द कंट्रैप्शन, क्लियर द टाइम मार्क्स। नाउ, नाउ। You'll never make it. मैंने पहले वार्न किया था उसको सैंडस्टॉर्म्स के बारे में। 30 seconds to go. क्या हुआ? क्या हुआ, कुछ मिला? How did the agency miss this? क्या मिस हुआ? ये जीप अपोजिट डायरेक्शन में पार्क है और यहाँ इसके डायरेक्शन बाकी व्हीकल से मैच करते हैं। तो यानी ये जीप मूव हुआ है, फिर इसके टायर मार्क्स कहाँ है? डेजर्ट में टायर मार्क्स बहुत दिन रहता है। वाह डेनियल भाई साहब, क्या बात है, क्या कमाल का पॉइंट पकड़ा है आपने। मैं तो कहता हूँ आप अभी के अभी CIA को फोन करो और उन्हें सब कुछ बता दो। वो बिल क्लिंटन को बता देंगे और कल तक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को फोन आ जाएगा। ये सब कुछ हाथ तो हाथ रुक जाएगा। आराम से, हमें और प्रूफ चाहिए। और कितना प्रूफ चाहिए? अंदर तक जल गया हूँ यार, चाट तक का स्वाद नहीं आ रहा। इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है, जल्दी खाइए, नाइट शिफ्ट का टाइम हो गया अभी। खुद तो सारा दिन इसी में मुंह देके बैठा रहता है और हम यहाँ बाहर जड़ चढ़ रहे होते हैं। हेलो, आई आल्सो हैव चाट तोरती का। हेलो डैनियल, से देव। हाय डैनियल। हाय अर्जुन फ्रॉम ASI। ओ ASI, ओ ताजमहल देखा, कुतुब मीनार देखा, बस पोखरण फोर्ट नहीं देखा। सो लाइक व्हेन डू वी गेट टू सी इट? सून, सून। Oh, soon. Huh. Okay. I think I ran into your boss the other day. What's his name? Krishna Joshi. Huh. Krishna. Yeah. Sweet guy. Sweet. Very sweet guy. Very sweet. No. Very sweet. He was here with his whole family. Ashwin ki to family nahi hai yahan pe. No, he doesn't have a family here. No. Oh yeah. Maybe I was mistaken. We're getting late. We're getting late. Okay. Bye. Thank you. Bye. Well, kya baat kar rahe ho? I love Deeka. Okay. सारे फर्जी नाम है, महाभारत वाले 5 पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। ये एक अश्वथ असली नाम है, अश्वथ रैना। पिचानवे वाले न्यूक्लियर टेस्ट में भी शामिल था ये। अरे पाकिस्तान की ISI भी कुछ कम नहीं पड़ती आपके CIA से। Okay, let's tell them. हेलो, हेलो पापा, अश्वथ बोल रहा हूँ। अरे कहाँ हो भाई? दिल्ली क्या गए, अपनी फैमिली को ही भूल गए? ऐसा कुछ नहीं है पापा। अरे बेटा, तुम कम से कम रेगुलरली फोन तो कर लिया करो। सुषमा कितना परेशान हो जाती है, पूरे घर की जिम्मेदारी उसने अकेले उठा रखी है। लो बात करो। सुषमा बेटे, अश्वथ का फोन है। Where have you been?
दो दिन से फोन क्यों नहीं किया? वो काम में बिजी था, डबल शिफ्ट चल रही है। तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो अश्वथ? तुम्हारी यूनिवर्सिटी में ना तो कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है और ना तो कोई अश्वथ रैना काम करता है वहाँ। What's happening? तुमने यूनिवर्सिटी फोन किया था? Of course, I had to call. तुम प्रहलाद का स्कूल फॉर्म भेजना भूल गए, ऊपर से दो दिन से गायब हो। What am I supposed to do? I was worried. There's nothing to worry about, सुषमा. मेरा डिपार्टमेंट नया है। हमारी फोन लाइन चला गया और एक हफ्ते में छुट्टी लेकर खुद आ जाऊंगा ना फॉर्म के साथ। नहीं प्लीज, डेडलाइन पास आ रहा है, तुम प्लीज कुरियर कर दो और पाकर नंबर दे दो मुझे ताकि हमारी बात हो सके। कम ऑन क्विकली। सुषमा मुझे नंबर ऐसे याद नहीं है और I'll have to hang up. वैसे भी मेरे पीछे लाइन काफी लंबी है। And don't worry about the forms, okay, सुषमा? Bye. अरे बीबी से भी झूठ बोल रहा है। वो तो समझती है कि ये दिल्ली के किसी कॉलेज में पढ़ाता है। ओ भाई कांदा लाना। अगर बीवी को पता चल गया कि वो पोखरण में है तो फिर बताना पड़ेगा उसे सब कुछ सच सच। हाल ले आग में थोड़ा घी। हेलो, अजी सुषमा जी बोल रही है? हाँ। खम्मागणी सुषमा जी, वो अश्वथ भाई साहब आपको भिजवाने के लिए कुरियर छोड़ गए। हाँ हाँ बताइए। अरे शायद जल्दबाजी में ना वो पिन कोड लिखना भूल गए, तो आप मुझे बता दो, मैं तुरंत रवाना करवाता हूँ। एक मिनट, हाँ अभी बताती हूँ। आप यूनिवर्सिटी कैंपस से बोल रहे हैं? कैंपस? अरे नहीं नहीं, मैं तो पोखरण राजस्थान से बोल रहा हूँ, आरटीडीसी गेस्ट हाउस से। वो अश्वथ भाई साहब हमारे यहाँ है तो रुके ना। राजस्थान में क्या कर रहे हैं? ये अपनी मिसेज के साथ आए हैं हनीमून पैकेज पे, अब आप खुद ही समझ लो। हाँ तो ये पिन कोड क्या लिखूं? उसकी जरूरत नहीं है, मैं आके ले लेती हूँ। इससे जल्द से जल्द रिपेयर करना होगा, आप और मशीनरी लगवा दीजिए। कैसी बातें कर रहे हो अश्वथ? जनरेटर्स पे पहले से ही बहुत ज्यादा लोड है, जानते हो ना कि ओवरलोड होने से सब कुछ ब्लैकआउट हो सकता है। आई एम सॉरी, आई कांट अलाउ इट। प्लीज वॉच योर टोन। हमारी प्रॉब्लम्स को समझो, टोन को नहीं। तुम्हारी स्पीड के चक्कर में ये पूरा मिशन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट? कर दिया हुकुम, आपको और कुछ चाहिए? नहीं कुछ जी। अच्छा सुनो, ये एक चाय भिजवा देना। That was too close. टेंशन अब बहुत बढ़ गई है अश्वथ, तुम बहुत पुश कर रहे हो सबको। Honestly, सब बहुत नाराज है तुमसे, you know? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। काम से तो फर्क पड़ता है ना, जनरेटर का इश्यू जेन्युइन है। तुम्हें
तुम्हें पता है ना, व्हाइट हाउस को बहुत पावर चाहिए। जनरेटर, जनरेटर। Why are you whispering? जनरेटर। All right, तो मान लिया। क्या प्लान है? कैसे करें? Okay, let's go step by step. सबसे पहले तुम यहां कैसे? ये सवाल मुझसे। This is Sushma, my wife. This is Hi. Ashwat, we'll talk later. Bibi aa gayi. Who is she? That's Nakul. नकुल, सरा सी भी शर्म आ रही है तुम्हें? सो दैट इज योर डबल शिफ्ट। व्हाट? तुम गलत समझ रही हो। मैं गलत समझ रही हूँ? मुझे नहीं पता था तुम इतना झूठ बोल सकते हो। ऑफ कोर्स नाउ इट ऑल मेक्स सेंस। दिल्ली क्यों अपने कॉलेज नहीं लेके गए? वहां तुम्हारा रूम ही क्या, डिपार्टमेंट ही नहीं है। आई नो दिस सॉन्ग, मीन्स You have a mobile phone? हम हर शाम फोन पे बंधे हुए रहते हैं ताकि तुमसे बात हो सके, and you have a personal mobile phone? ये बहुत महंगा है और इस पे incoming भी charge होता है। Really? Yeah. Yeah? That's your excuse? किसके लिए use होता है महंगा फोन? नकुल, tonight 8 PM, दिन ढल जाए रात न जाए। तेरी याद सता है। तुम क्या कर रही हो? ये टूट जाएगा। तुम समझ नहीं रही हो, इसमें आज के ब्लाइंड स्पॉट का टाइम और पासकोड है। मैं और कुछ नहीं बता सकता सुषमा। क्या नहीं बता सकते? क्या नहीं बता सकते? ये नहीं बता सकते कि उब गए हो अपने घिसी पिटी जिंदगी से। मैंने क्या कुछ नहीं किया अशोक तुम्हारे लिए? जितना मुझमें था उतना प्यार, उतनी इज्जत दी तुम्हें। तुम्हारी प्राइवेट जॉब ना करने की जिद को सर आंखों पे रखा, रात रात जाकर काम किया। तो डोंट टच मी प्लीज सुषमा, प्लीज। कब से चल रहा है ये सुषमा? कुछ नहीं चल रहा है। वो मेरी कलीग है, प्लीज। कलीग? ये नाम अशोक, बस तुम्हारी कोई जॉब ही नहीं है तो कहाँ की गली, कहाँ काम करते हो तुम दोनों एक साथ? सुषमा, दो मिनट मेरी बात सुनो प्लीज। यू आर ओवर रिएक्टिंग, प्लीज। आई एम ओवर रिएक्टिंग? सुषमा, डोंट फॉलो मी। ब्लाइंड स्पॉट सुनो। क्या मतलब? जब सेलर रेंज को कवर नहीं कर पाता, ये लोग दाब कम करते हैं। ओह, तभी तो समझ में नहीं आ रहा है आपकी जिया को। अब तो लगा दो फोन। What do you mean assign another satellite? There are already 3 lacrosse satellites covering Pokhran. Trust me, you'll see what I mean at 2000 hours IST. We need to plug their blind spot. Yeah, all right. रात के स्कूल के बारे में। 20 seconds. तुमने गलती से लोकेशन तो नहीं बताई ना? Why would I? I don't know. Think hard. Why don't you get it? Our cover has been blown.
हमें पता लगाना चाहिए कि सुषमा को यहाँ का एड्रेस कहाँ से मिला। 5, 4, 3, 2, 1, गो गो गो। क्या हुआ? चेकिंग टीम स्टैंड बाय। Still normal. मैंने पहले ही कहा था अश्वत कि जनरेटर्स पे बहुत ज्यादा लोड है। और मैंने कहा था डील विद इट। आप मांगिए तो सही, आपको क्या चाहिए? अरेंज कराना, मेरी प्रॉब्लम है। टाइम टाइम चाहिए मुझे। टाइम खराब चल रहा है मेरा। 11 साल हो गए हमारी शादी को और आज उसने सीधे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मुझ पे। ये सेटअप है। उसे यहाँ भेजा गया था ताकि इस मिशन के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल सके। What the hell is that? जुगाड़ हो गया, चलो काम शुरू करो। सैटेलाइट है ऊपर। Listen, I know they're up to something. Just let the satellite stay in orbit. Have you seen the images? They're all clear. I know. I'm putting my neck on the line, but just give it some more time. Take good care of your neck, Daniel. You're on thin ice. Plane bhi ho sakta tha. Sometimes you can't tell the difference. I can. So maine bhi dekha tha. It was definitely a satellite. It's possible, you know. Satellites are visible in the night sky. Satellites aise jaati hai, plane aise jata hai. Kaise gaya tha wo? Ashwat, you were right. Last minute mein ek aur satellite add hui hai. Bach gaye. Acha hua power chali gayi. This is not a coincidence. Sushma ka yahan na last minute pe ek aur satellite ka add hona. Ab hamare blind spot ki kya duration hai? Mushkil se 1 ghanta. Ashwat, we're being watched. Raat mein? Pure din mein. सिर्फ 1 घंटे का ब्लाइंड स्पॉट, 1 घंटा तो मिट्टी डालने में लग जाता है। अश्वत, स्टोर्स को इमीडिएटली वापस भिजवा दो। कोई भी पेपर ट्रेल नहीं छूटना चाहिए और सबको अपनी अपनी ड्यूटी से रिलीज कर दो। यू डिड अ ग्रेट जॉब, पुल द प्लग। Thank you guys, you're a fantastic team. Der hai durust hai. Chalo kal se back to normal life. Aap sab ke liye. Meri to is mission ke sath personal aur professional life dono khatam ho gayi. Test to hua nahi. Ab Sushma ko kya bataunga main ya kya kar raha tha? Batana kya hai? Your wife is well educated, astrophysicist hai. लेकिन पोखरण तक आकर भी उसने न्यूक्लियर टेस्ट से कनेक्ट नहीं किया। अरे उसकी गलती नहीं है। कभी कभी एक शक दिल में ऐसे घर कर लेता है कि उसके आगे सच्चाई नाक के नीचे होते हुए भी नहीं दिखती। क्या कहा तुमने? क्या क्या कहा मैंने? कभी कभी एक शक दिल में ऐसे घर कर लेता है कि उसके आगे सच्चाई नाक के नीचे होते हुए भी नहीं दिखती। What? पानी देना है। Look, I know you're disappointed. I am disappointed, but it's over. It's over. एक बार मेरी बात ध्यान से सुनिए। सैटेलाइट्स का ध्यान पोखरण और हमारे रेंज से हट सकता है। It's very simple. आपको सिर्फ अपने स्ट्रॉन्गेस्ट और बेस्ट सोर्सेस से ये लीक करवाना पड़ेगा कि कश्मीर की प्रॉब्लम्स बढ़ने की वजह से इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। Joking, right? No, I'm not joking. India is preparing for war with Pakistan. और आपको अमेरिका का एटीट्यूड पता है।
जैसे ही अमेरिका के जहन में यह शक बैठ गया कि हम एलओसी से अटैक की तैयारी में है, वो अपनी सैटेलाइट्स की पोजीशन बदल देगा। दे विल मूव देयर सैटेलाइट्स और हम उसके नाक के नीचे हमारे बॉम्ब्स टेस्ट कर लेंगे। लेकिन उसके लिए हमें आर्मी के मॉक मूवमेंट्स करवाने पड़ेंगे एलओसी की तरफ। आई गेटिंग मी? कैन यू हियर योरसेल्फ? तुम चाहते हो कि मैं देश में युद्ध का माहौल पैदा करूं, क्रिएट वॉर हिस्टीरिया सो दैट वी कैन ब्लास्ट योर ब्लडी बॉम्ब? यस सर। फौज ने अपनी सैन्य ताकत को कश्मीर में भारी मात्रा में बढ़ाया है। भारत के शक्ति प्रदर्शन को देखते हुए पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को डर है कि भारत कभी भी एलओसी पर हमला बोल सकता है। As far as Kashmir is concerned, I think there has to be a third party mediation. Somebody outside India and Pakistan will have to help both Pakistan and India to resolve this issue. अमेरिका ने कश्मीर में बढ़ते तनाव को सुलझाने के लिए बीच बचाव करने की पेशकश की है। And I hope the people of Pakistan support his decision to continue this dialogue with India. I think it's very important. At any time there's anything that I can do that both parties will agree to our doing, of course I would be happy to do it. धमकी विहार के नारों से, हथियारों से, कश्मीर कभी हथियार हो गई है मत समझो, हम लौ से अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे हम। देखिए, हमें देश की सुरक्षा अच्छी तरह करने आती है। हम युद्ध नहीं चाहते, पर इफ पुश कम्स टू शव, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी। ऑलराइट, गेट मी एन ओवरफ्लाइट ऑन कश्मीर। यू हैव 2 hours. Daniel, I can't speak to you right now. Here, talk to Stephen. Now, this better be good. Stephen, we should not be changing satellite orbits. We need to keep an eye on Pokhran. I read all your reports. It's utter nonsense. The action's in Kashmir. That's where the war is brewing. You got it? I know it looks like that. Listen, with all due respect, you're making a huge mistake. I've got an official decision right now. You're being reassigned. Pack your bags. पोखरण से निकालना होगा। हमारे रूम में ट्रांसमीटर्स थे। खेतोला गांव के आसपास थोड़ी लीड्स मिली है मुझे। कुछ लोकल स्पाइज है जिनकी वजह से मिशन कॉम्प्रोमाइज हुआ था। We're on to them. Good. अब तो गेस्ट हाउस से सिक्योरिटी निकाल दो। तुम्हें सिक्योरिटी से प्रॉब्लम क्या है? All right, everybody. नए ब्लाइंड्स पास आ गए। कितना टाइम मिल रहा है? 8 घंटे. 3 दिन में 8 घंटे. Okay, I think we can make this work. शास को सील करने के लिए हर रात 8 घंटे. अगले 3 दिनों तक. यानी 24 man hours. That's brilliant. नरेश जी, इतना टाइम काफी है आपके लिए? केबल्स तो सारे बेच चुकी है, सिर्फ फाइनल कनेक्शन से ना बाकी है। अगर जैसे ही इस टेस्ट की खबर बाहर निकलेगी दुनिया टूट पड़ेगी हम पे, बहुत क्रिटिसिज्म होगा। नरेश जी, अब दुनिया के बारे में मत सोचो। इस वक्त हम सब एक ऐसे मुकाम पे खड़े हैं जहां से हम इस देश का भविष्य बदल सकते हैं। हमारी काबिलियत हर तरह से परखी जाएगी। जितना भी वक्त हो कम लगेगा। अगली 3 रातें हम नहीं सोएंगे ताकि उसके बाद हमारे दुश्मनों की नींद उड़ जाए। अब हमें नतीजे के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ अपने इरादों को अंजाम देना है। हम दुनिया की नजरों में गिरेंगे या खरे उतरेंगे ये पता नहीं, लेकिन इतना यकीन है कि हम खुद अपने आप से नजरें मिला के ये कह पाएंगे कि हमने जो सोचा वो देश के लिए था, हमने जो किया वो देश के लिए है, और हमने जो पाया वो देश का होगा। एलओसी पर युद्ध जैसी स्थिति अब भी बरकरार है। पूरी दुनिया और खास तौर से अमेरिका की नजरें इस वक्त कश्मीर पर। उल्लू बन रहा है आपका अमेरिका, बात ही नहीं मान रहा हमारी।
भाई साहब थोड़ा कांदा देना। नहीं है। क्यों? महंगे हो गए भाई साहब। दे देंगे एक्स्ट्रा पैसे। पैसे का क्या करेंगे भाई साहब, जब कांदे है ही नहीं, सब आर्मी वाले ले गए। क्या मतलब? ट्रक भर के आर्मी कैंटीन में गए हैं सब, पूरे जैसलमेर में कांदे नहीं है। मिल गया प्रूफ। व्हाट प्रूफ? कांदा, ऑनियन। ऑनियन सोख लेता है सारा रेडिएशन। वो लोग 100% आजकल में ही टेस्ट करने वाले। आप फोन लगाओ CIA को। सर्जेंट, I can't sell your onions theory to the CIA. Pokhran mein tumhara kapri pakra gaya hai. So we can't risk getting caught ourselves. Besides, I'm out of here. Okay? It's over. Daniel bhai sahib, no. I'm sorry, buddy. You're on your own. मुझे नहीं लगता आज भी मामा आपके साथ बात करेगी। आप कैसे हो? I'm fine. तुम्हारे एग्जाम से पहले मामा हमेशा पेप टॉक देती है ना तुम्हें? आज मेरा भी एग्जाम है। पक्का नहीं करेगी बात? नहीं करेगी पापा। लेकिन आप दही चीनी खा के जाना, मामा हमेशा खिलाती है ना। ओके जान, बाय। बाय पापा। तुम वेटर नहीं हूं मैं। चलिए अपना फोन इधर दे दे। जिस टेस्ट की जोर शोर से तैयारियां कर रहे हो तुम लोग, वो टेस्ट अभी हो नहीं पाएगा, समझे? टेस्ट तो हो गए। हो गए मतलब? उस बेटी को देखो, वो टेस्ट के आफ्टर शॉक से गिर गई है। फोन दे दो नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। ला के घर। फोन में लॉक है। पिस्तौल नीचे कर। सर मेरी बात तो सुनिए सर, इसे पकड़िए, वो देखो। पहले तो पिस्तौल नीचे कर। सी मेरी गन नहीं है सर। पहले पिस्तौल नीचे कर तू। सर ऐसे भी लॉक है, देखो।
And sir. Sir, we can't wait. हमें टेस्ट इसी वक्त करना होगा. सर वो पाकिस्तानी स्पाई था. मेरा फोन उसके पास है. आप जानते हो उसमें कितनी वाइटल इन्फॉर्मेशन है. अश्वथ काम दाओ, मैं पीएमओ जा ही रहा हूँ. प्राइम मिनिस्टर को परमिशन मिलते ही मैं तुम्हें फैक्स कर दूंगा. ऑलराइट सतपाल, देश चलाओ रहा. लाल बत्ती का फायदा क्या? Don't worry about your phone. I'll get him. यही था ना? हाँ यही था, मैं इनको बोल रहा था. तुम लोगों को शर्म नहीं आती? सस्पेक्ट तुम्हारे सामने खड़ा था, तुमने उसे जाने दिया. तुम जाओ अश्वथ, I'm on it. ठीक है. साहब को रेंज तक लेके जाओ प्लीज. जी मैडम. मिल गया प्रूफ. I've taken enough flak because of you, Daniel. Trust me. I have the exact time of detonation. They're testing the bombs today. Did you hear that? Bombs. There's more than one. आप मुझे जानते हैं, मैं हर रोज यहाँ आता हूँ. मेरा फोन नहीं है, मुझे पासकोड याद नहीं है. प्लीज मेक एन एक्सेप्शन. मैं हर रोज पासकोड देके जाता हूँ. प्लीज आज बहुत अर्जेंट है. सॉरी सर, पासकोड तो बताना ही पड़ेगा. आप ही ने रूल बनाया. कविता, पीएम साहब आ गए. अरे सर आप यहाँ? अशोका होटल में तो प्रोग्राम था ना पीएम सर का अमेरिकन डिप्लोमेट्स के साथ. इश्क नहीं आसान, ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए. आगे आप ही समझ लीजिए ना. नहीं सर, पूरा बताना पड़ेगा. ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए. आग का दरिया है और डूब के जाना है. बता रहा हूँ सर. मैम, अश्वथ की मोबाइल की लोकेशन ट्रेस हो गई है. क्या लोकेशन है? कोतवाल हवेली जैसलमेर. You gotta be kidding me. They're ready for the test. Tell the president. Let's stop this. Right away. कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव को लेकर आज प्रधानमंत्री और अमरीकी डिप्लोमेट्स की बातचीत शुरू होने वाली है. क्या हो रहा है जी? सर मीटिंग अभी 5 मिनट पहले ही शुरू हुई है. पीएम साहब पूछ रहे थे आपको. अश्वथ सर, मिली परमिशन? अश्वथ, आई थिंक आई मिस्ड द बस. प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग शुरू हो गई है अमेरिकन डिप्लोमेट्स के साथ. लेकिन सर उसमें 2-3 घंटे लग जाएंगे. अश्वथ, मैं अमेरिकन्स के सामने ये बात नहीं कर सकता हूँ. बट सर यू जस्ट गिव मी मोर टाइम. हे अमांशु, यू आर लुकिंग स्ट्रेस्ड. हाय डोनाल्ड, हाउ आर यू डूइंग? थिंग्स नॉट गोइंग एग्जैक्टली एज यू प्लान्ड. दिस टाइम यू हैव टेकन ऑन मोर देन यू कैन हैंडल. बट डोंट वरी, वी आर हियर टू क्लीन अप योर मेस. You're going to withdraw your troops immediately. Your prime minister is going to issue a signed statement. And then we can put this all behind us. You're absolutely right, Donald. That's exactly what I'm going to do. Thank you so much. Thank you. I'll be right back. Good luck. Sir, the draft is ready. Your Excellency.
you of my meeting with the excellency of ambassador. What is this? Galat facts bhej diya abhi. Give it to me. The ambassador of United States of America have decided to come to an agreement with respect to the current geopolitical situation. India hereby assures White House that it will restore normalcy with immediate effect. Himanshu Shukla, you're a genius. White House matlab shaft, store matlab bomb, or immediate effect. This is the permission. Let's go. All units stand by. Ready for launch. Wind direction northwest. Prepare to detonate. Hold on, hold on. Kya ho gaya? Wind direction is northwest towards Pakistan. So? Ashwath, wind direction Pakistan ki or hai. By chance radiation leak hua to wahan bahut nuksan ho sakta hai. Main rukna hi hoga. Damn it. I need to meet the president. Then wake him up. You know you're too late, right? Ab tak president ko khabar pahunch chuki hogi. India will fail again. Kar lete hain na prem. Nahi kar sakte sir. Must wait. CIA. Hold on, sir. We have to follow the protocol. Come on, come here. Come here. Look. Look. Damn it, stop. Excuse me, how much more time? It's urgent. He'll be with you in a moment. रुक गई है कुट्टी को President. Zero time.
did it. So you did it. I have something for you. Major, we're off. Thank you. Tell me. The White House has collapsed. Congratulations. Great job, Ashwat. My Prime Minister has been informed. पोखरण में परमाणु परीक्षण करके भारत ने सिर्फ इतिहास ही नहीं रचा बल्कि अपने उज्जवल भविष्य की नींव भी स्थापित कर दी. Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests. भारत की जनता में आज खुशी और गर्व का माहौल है. वहीं अमेरिका और दूसरे कुछ देश सदमे और झुंझलाहट से गुजर रहे हैं. We've been following the Indian nuclear program for many years, but there's no getting around the fact that in this instance we missed and did not predict the particular tests involved. Simply stated, we did not get it right. It's my responsibility to stand up. I'm really sorry I doubted you. I'm sorry too. मैं तुम्हें पहले नहीं बता पाया. Listen, I'm really proud of you. Come home soon. See you soon.